डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की डिग्री का मामला HEC की तहकीकात मुकम्मल। हायर एजुकेशन कमीशन ने डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की डिग्री को दुरुस्त करार दे दिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हसन रजा से। हसन रजा बताइएगा, चेयरमैन नैब पास हो गए? जी बिल्कुल, डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम डिग्री में पास हो गए हैं और हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है और बाकायदा तौर पर हायर एजुकेशन ने जो डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम है उनकी डिग्री को दुरुस्त करार दे दिया है। ये बहुत काफी अर्सा पहले ये मामला चल रहा था, बहुत सारे एतराज सामने आ रहे थे कि शायद उन्होंने जो शहजाद सलीम ने डिग्री की है उस पर बहुत सारे एतराज थे कि वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन तर्जमान हायर एजुकेशन कमीशन ईशा इकराम ने इस हवाले से लाहौर न्यूज से बात करते हुए तस्दीक की है कि डिग्री 100% दुरुस्त है और शहजाद सलीम वल्द जहीर अहमद सलीम ने MSc की डिग्री 2002 में ली है और इनकी डिग्री का कोई मसला नहीं है, इनकी डिग्री मुकम्मल तौर पर ठीक है। उनकी डिग्री की तस्दीक करने के बाद मुतलका हुक्म महकमे को भी आगाह कर चुके हैं और इस हवाले से जो कॉपी है वो आप देख सकते हैं, इसमें वाजा तौर पर लिखा गया है और हायर एजुकेशन कमीशन ने तस्दीक करने के बाद अपनी स्टैंप भी जो है इस पर लगाई गई है और उसमें वाजा तौर पर लिखा गया है कि उसकी तस्दीक वेरिफिकेशन करने के बाद हायर एजुकेशन कमीशन ने नैब के अदारे को और दीगर अदारों को जो है वो भिजवा दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी वो मामला चलता रहा और बाद लोगों की जानब से इस पर एतराजा किए गए थे, लेकिन अब जिस तरह डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम इनकी कारकर्दगी बेहतर है उस तरह इनकी जो डिग्री है वो भी बेहतर करार पाई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे अफराद थे जिनके खिलाफ जो है एहतसाब का अमल जारी है और जिनके सिर्फ केसेस देखते हुए बड़े फैसले लिए गए थे, उन्होंने बहुत सारे एतराजा सामने उठाए थे। उनका ये कहना था कि शायद इनकी डिग्री कोई ना कोई ऐसा बहाना, कोई ऐसी चीज तलाश की जा रही थी कि डीजी नैब के खिलाफ कोई चीज लाई जा सकती है। मोहम्मद हसन रजा अपडेट किया आपने।